हाय एवरीवन, मैंगो का सीज़न फाइनली आ गया है और मैंगो तो भाई हर किसी के फेवरेट ही होते हैं। कोई मुश्किल ही ऐसा होता होगा जिसका फेवरेट नहीं होता होगा। तो चलो बनाते हैं मैंगो से ये यम्मी सा आइसक्रीम डेजर्ट। आप इसको जो भी नाम देना चाहो आप दो, भाई ये खाने में इतने टेस्टी बनते हैं ना, बहुत ही ईजी है इनको बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बॉल में हमें मैंगो को चॉप करके डालना है इसमें। उसके बाद हमें इसके अंदर हंगर्ड का यूज़ करना है। आप इसमें 3 to 4 स्पून हंगर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हमें मिल्क पाउडर या फिर कंडेंस मिल्क, ये आपकी चॉइस है, इन दोनों में से आप कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हो, वो मैंने इसके अंदर यूज़ किया है। इसके बाद मैंने डाला है वेनिला एसेंस थोड़ा सा टेस्ट एंड फ्लेवर को एनहांस करने के लिए। इसके बाद मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। इन सबको अच्छे से आपको मिक्स करना है ताकि जो भी आपका मैंगो एंड हंगर्ड जितने भी आपने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं अच्छे से एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए। इसके बाद आपको क्या करना है, स्पून की हेल्प से एक ट्रे में इसको डिस्क शेप में आपको हल्का हल्का ऐसे करके स्प्रेड करना है। हंकर आप इसीलिए लेना ज़रूरी है ताकि ये ज़्यादा फैले ना। इस तरीके से आपको छोटे छोटे इनके आपको डिस्क शेप्स में आपको बना लेने हैं और फिर इनको फ्रीज करने के लिए रख देना है। कुछ 2 घंटे तक आपको फ्रीज़ करना है। 2 घंटे बाद आपकी ये मैंगो बाइट्स कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको मेल्टेड चॉकलेट पे इसके ऊपर अच्छे से कोटिंग करनी है। आप इस चॉकलेट में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो ताकि ये अच्छे से शेल इसके ऊपर कवर हो जाए और जब आप इसको फ्रीज़ करो तो ये उसके ऊपर चिपक ना जाए आपकी ट्रे पर। देख रहे हो मैंने कैसे इसको अच्छे से पूरे चारों तरफ से कोट कर दिया है। भाई ये जो मैंगो कर्ड एंड चॉकलेट का जो बाद में आफ्टर टेस्ट आता है ना, बहुत ही अमेजिंग बनता है। इस तरीके से आपको अपनी सारी डिस्क को इसी तरीके से आपको चॉकलेट में डिप करके इसको फिर से आप 10 to 15 मिनट्स के लिए फ्रीज़ कर देना है। आफ्टर 10 to 15 मिनट्स आपका ये क्विक एंड ईजी रिफ्रेशिंग मैंगो बाइट्स इज़ रेडी। मैंने ये मैंगो बाइट्स 3 उस पर यूज़ किए और 2 पे मैंने नॉर्मल बिना चॉकलेट के यूज़ किया है। ये दोनों ही खाने में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे थे। और फिर इसके बाद ये पता है एक के लिए इनफ रहता है। इसके बाद देखो मैंने इसको एकदम अच्छे से फ्रीज़ हो गया है, मैंने इसको सेंटर से कट किया और आप अंदर से देख रहे हो कितने अच्छे से फ्रीज़ हो गया है और मतलब कैसे मैंगो और ये जो कर्ड और चॉकलेट का जो फ्लेवर आता है ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। मतलब ये बच्चों और बड़ों को दोनों को बहुत ही टेस्टी लगता है। तो कमेंट करके जल्दी से बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप भी जल्दी से इस रेसिपी को फटाफट से ट्राई करो और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।